दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की बाकी आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के बारे में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक संघ के चुनाव प्रक्रिया को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षक संघ की चुनाव प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सबसे बड़े संगठन प्राथमिक शिक्षक संगठन की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की जो है सुनवाई हुई और इसमें यहाँ पर रोक लगाने से मना कर दिया है हाईकोर्ट के द्वारा। और वहीं यहाँ पर टावर पर चढ़ा छात्र छात्र संघ चुनाव की मांग। तो यहाँ पर जो है डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र को जो यहाँ पर एसटीआरएफ ने उतारा, और इधर जो है एनएसयूआई के ने किया शिक्षा मंत्री आवास कुछ, तो शिक्षा मंत्री आवास कुछ किया है। और इनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव करने की मांग की गई ताकि यहाँ पर जो है इनकी चुनाव हो सके, और इसीलिए यहाँ पर जो छत पर और यहाँ आंदोलन करने पर लगे हुए हैं। बागेश्वर में भी यहाँ पर जो है छत पर चढ़ा एनएसयूआई के छात्रों ने काटा हंगामा। तो बागेश्वर में भी यहाँ पर जो है इन्होंने हंगामा काटा हुआ है और परीक्षा फल में जो है गड़बड़ी दूर करने और छात्र संघ चुनाव जल्द करने की मांग को लेकर इन्होंने दिया है ज्ञापन। साथ में शिक्षा मंत्री का जो है पुतला जलाया और निदेशक को भी यहाँ पर ज्ञापन भी दिखा दिया। तो यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है। और वहीं यहाँ पर दाखिम का विद्यालय शिक्षक विहीन, विद्यार्थी 5 कक्षाएं हैं 3। तो आपके जो है यहाँ पर जो पिथौरागढ़ में राजकीय जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो है शिक्षक विहीन हो चुके हैं, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय विद्यालय में व्यवस्था के तहत जो है चल रही है पढ़ाई, और दूसरे विद्यालय से जो है अध्यापक को भेजकर किया जा रहा है ज्ञान। तो दूसरे स्कूल से अध्यापक आकर वहां पढ़ा रहे हैं और 5 किलोमीटर की जो है दौड़ लगाकर जो है करते हैं अध्ययन। तो 5 किलोमीटर जाना पड़ता है और यहाँ पर जो है शिक्षक विहीन हो चुके हैं और विद्यार्थी 5 बताए गए हैं और कक्षा यहाँ पर 3 चले हुए हैं ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर डिग्री, फर्जी डिग्री से यहाँ पर नौकरी पाने वाले 3 शिक्षिकाओं को जो है 5 साल की जेल। तो अदालत ने जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग को भेजी आदेश की प्रति और कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर जो है कार्रवाई। तो लापरवाह जो अधिकारी हैं, क्योंकि जिस नियुक्त भेज पाए होंगे किसी न किसी अधिकारी नियुक्त कर रहे होंगे, तो उन पर जो है कार्रवाई करने की बात करेगी है। कहा गया कि बीएड की फर्जी डिग्री जो है डिग्री शिक्षा विभाग में है नौकरी मामले में 3 शिक्षिकाओं को यहाँ पर अदालत ने 5 5 साल की कठोर कारावास और 10 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षिकाओं को यहाँ पर न्यायिक जो है अभिरक्षण में पुरसाड़ी जेल भेजा गया है। अदालत ने जो है आदेश के प्रति शिक्षा विभाग को भेज दी है और साथ ही जो है गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर जो है आप कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इन फर्जी डिग्री मिली है इनकी, और जो गैर जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको भी आदेश जारी करा है इसमें कोर्ट के द्वारा। और वहीं यहाँ पर चुनाव तिथि घोषित करने की मांग, पेट्रोल लेकर जो है छात्र छत पर चढ़े चढ़े विद्यार्थी। तो हल्द्वाड़ा में शोभन सिंह जिला परिषद में दिन भर जो है चला हाई वोल्टेज ड्रामा और पेट्रोल लेकर जो है यहाँ पर छत पर चढ़ा ताकि आप चुनाव कराने की मांग को लेकर। प्राथमिक शिक्षक संघ की चुनाव प्रक्रिया पर जो है से रोक हाईकोर्ट ने कहा इनकार कर दिया है। और वहीं यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस पर जो है 25वीं वर्षगांठ में भव्य कार्यक्रम होगा। और वहीं यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 29 साल की आयु में जो है यूजीसी नेट पास कर पेश की मिसाल। तो यहाँ पर यूजीसी नेट 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच संपन्न हुई थी और उसमें यहाँ पर जो प्रतिभा क्या था मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के अधिकारी के द्वारा, और वो पास हो चुके हैं 59 उम्र के में बताया गया है। शिक्षकों को मिली प्रेरणा इसलिए जो है परीक्षा दी ऐसा बताया है, शिक्षकों के द्वारा प्रेरणा इनको मिली हुई है। बात करते हैं यहाँ पर आईटीबीपी में, इसमें कांस्टेबल सॉरी इसमें सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है। मेल फीमेल के तहत जो है आपको यहाँ पर इतने पद मिलेंगे, जिसमें सब इंस्पेक्टर के बारे में पद हैं और 363 पद आपके यहाँ हेड कांस्टेबल के मिलेंगे। 51 जो है एक कांस्टेबल की पद भी हैं। 18 से 23, 18 से 25, 18 से 25 के भर्ती अप्लाई पे कर पाएंगे। आप ऑफिसल साइट में जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। फीस 200 रुपये 100 रुपये रखेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। और वहीं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है जल्द, तो पहले पाओ के आधार पर जो है होगी शुरू बताया गया है। और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है जल्द लॉन्च होगी और योजना का लाभ जो है प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर 2000 महिलाओं को मिलेगा और पहले साल योजना का लाभ जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और
24 और 25 अक्टूबर को यहाँ पर जो है फिर खुलेगा समर्थ पोर्टल। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा गया है कि यहाँ पर उच्च शिक्षा डॉक्टर धनसिंह रावत ने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्रों को जो है प्रवेश के लिए एक और अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है और प्रवेश व शुल्क जमा करने के लिए जो है पोर्टल पुनः 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से खोल दिया जाएगा जो कि 25 अक्टूबर को यहाँ पर शाम को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और स्नातक के छात्र जो है अनिवार्य होंगे अप्रेंटिस। तो युवाओं को यहाँ पढ़ाई के बाद जो है अब रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा और विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय आने वाले छात्र होंगे उनमें स्नातक की पढ़ाई के साथ जो है अनिवार्य रूप से अप्रेंटिस कराएंगे। तो अप्रेंटिस कराने वाले हैं और जल्दी यहाँ पर जो UGC के जो मानक हैं इसमें अप्रेंटिस लागू होने वाला है। उत्तराखंड में उद्यान विभाग में अफसरों व कर्मचारियों के 342 पद हैं स्वीकृत, सेवारत 120। तो 120 पद यहाँ पर सेवारत है, बाकी लगभग 122 करीबन जो पद हैं, 222 करीबन जो पद हैं वो खाली हो चुके हैं उद्यान विभाग में। कहा गया कि उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर जो है बागवानी हब बनाने का जो है दावा प्रदेश सरकार राजस्थान के दौरान दौर से यहाँ पर करती आ रही है और पहाड़ों से हो रहे यहाँ पर पलायन को रोकने की दिशा में भी बागवानी को जो है आधार बनाती रही है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अधिकारियों कर्मचारियों के यहाँ पर जो है काफी पद खाली हो चुके हैं और इसमें कहा गया कि जिले में यहाँ पर कर्मचारी को कुल 342 पद स्वीकृत हैं जिनमें से यहाँ पर स्वीकृत 120 है जबकि 222 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। तो इनमें जो है इतने पद खाली हो चुके हैं जिनमें यहाँ पर इनका कहना है कि ये दरअसल जो है पौड़ी में आपके जो कर्मचारी हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेखाकार है, कनिष्क सहायक है, चौकीदार है और फिटर है, फल संरक्षण केंद्र है, वर्ग 1-3 है और उसके साथ एक एक जो ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं, सहायक उद्यान अधिकारी हैं और उद्यान निरीक्षक वर्ग है वर्ग 2 लेवल के, जिन पदों पर काफ़ी पदकारी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये विभाग में आप देख सकते पद अभी वर्तमान में खाली पड़े हैं और 800 से यहाँ पर जो स्वीकृति मिली है इन पदों पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर आंदोलनकारी जो है आरक्षण मामले में 27 तक जो है जवाब दे सरकार। तो 27 तक जो है आंदोलनकारी का जो आरक्षण है उसको लेकर सरकार 27 तक जो है जवाब दे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है नवंबर में। और आरक्षण को चुनौती देने वाली जो याचिका है हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो है सुनवाई की है और इसमें जो है हाईकोर्ट ने कहा कि 10% आरक्षण देने की चुनौती जो दी है उसमें याचिका लगाई हुई है उसमें 27 नवंबर तक जो है जवाब पेश करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करें है। अगली सुनवाई तक जो है यहाँ पर जो है इसी तिथि तक तय रहेगी बताया गया है। तो 27 को अब नेक्स्ट डेट दे रखी है और चुनाव प्रक्रिया पर जो है रोक लगाने से इनका हाईकोर्ट ने कर दिया है। छात्र नेता ने जो है यहाँ पर नामांकन मामले में कुमाऊं विश्वविद्यालय में जवाब भी मांगा गया है और उपनियुक्त कर्मचारी के मामले में रिव्यू याचिका दायर करने को जो है मंजूरी। तो 15 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जल्द दायर होगी रिव्यू याचिका। तो रिव्यू याचिका दायर होने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 करीबन लोग हैं जिनको यहाँ पर अपील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार जो है शीर्ष कोर्ट के मतलब कि समान वेतन समान भत्ते देने की बात करें समान कार्य को लेकर और सरकार शीर्ष कोर्ट के समक्ष यहाँ पर जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के जो है बाबा जो है विस्तार से रखेगी अपना पक्ष बताया गया है और 15 अक्टूबर को दिए गए फैसले के विरुद्ध जो पुनर्विचार याचिका है करने की बात करेगी है। बात करते हैं आज के जॉब अपडेट लेकर पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में 802 पदों की भर्ती, 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स भोपाल में 118 पद निकाले गए हैं 4 नवंबर तक, NTRO में निकाले गए हैं 75 पद 8 नवंबर तक, NMDC में निकाला गया 153 पदों की भर्ती, 10 नवंबर की लास्ट डेट है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 35 पद निकाले गए हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 11 पद निकाले गए हैं। अन्य पद देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।